हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने यहाँ पे बेकार टी शर्ट ली हुई है जिसका हम करेंगे बहुत ही अच्छा यूज़, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमने किया क्या है, यहाँ पर मैंने एक बेकार टी शर्ट ली हुई है जो कि फेड हो चुकी थी, तो इसका मैंने यूज़ किया है। और इसको यूज़ करने के सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें एक सर्कल पीस इसका कट कर लेना है जो कि आप किसी भी साइज़ का कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक सर्कल पीस कट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें एक सर्कल पीस कट कर लेना है। तो इसको कट करने के लिए आप कोई भी चीज़ गोल चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने प्लेट का यूज़ किया है, आप कोई भी गोल चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जितना बड़ा आपको लेना हो सर्कल उतना बड़ा आप इसको कट कर लें। यहाँ पे मैंने प्लेट का यूज़ किया है, इसको मैं रखूँगी और इसी के हिसाब से आप चाहे निशान लगा लें या डायरेक्ट आप इसको कट कर लें। तो इसको मैं कट कर लूँगी। एक साइड का हमें नहीं कट करना है, दूसरे साइड का हमें कट करना है। तो देखिए ऐसे करते हुए हम एक पीस सर्कल की निकाल लेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक इंच दो इंच बढ़ाकर ही कट किया है ताकि ये हम स्टिचिंग में ले लें। और इसके बाद हमें करना क्या है, ऐसे ही हमें इसको हाफ़ कर लेना है और हाफ़ करके दो हमें पट्टियाँ निकाल लेनी है इसी के साइज़ की। तो आप चाहे तो राउंड शेप में भी पट्टियाँ एक साइड से निकाल सकते हैं या तो फिर दोनों आप स्क्वायर पीस में भी रख सकते हैं, बाद में आप इसको राउंड कर लें। तो ये मैंने ऐसे अभी लंबी पट्टी काट ली है। इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर पीस कट किया है 5 इंच का, तो ये हमें कर लेना है। और यहाँ पे हमें 5-6 इंच का यहाँ पे स्क्वायर पीस कट कर लेना है, दोनों साइड से हमें बराबर रखना है। और इस तरीके से हमें और पीसेस इसके कट कर लेने हैं। तो देखिए और सारे पीसेस मैंने इसमें कट कर लिए हैं। इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ से हम इसको डबल करेंगे, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में हम इसे डबल कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाएंगे और ये एक लीफ का शेप हो जाएगा। इसके बाद आप इसको मशीन से डायरेक्ट पहले स्टिचिंग कर लें और इसके बाद आप सर्कल में लगाएं। आप चाहे तो सर्कल के साथ साथ इसको सेट करके लगा सकते हैं, नहीं तो आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। पहले आप इसको अच्छे से फिक्स कर लें और इसके बाद फिर आप सर्कल में इसको ज्वाइंट कर लें। तो यहाँ पे से हमें इसको लगाना स्टार्ट करना है। अगर आप डायरेक्ट सर्कल से लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं और यहाँ पे 1 इंच हमें ऊपर की ओर छोड़ देना है ताकि हम बैक साइड का भी इसमें जॉइंट कर सकें और इसके बाद हमें पूरा ये लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन बनाकर लगाऊँगी। तो सबसे पहले हम इसको फिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद इसमें जॉइंट करेंगे। तो इसको हमें कम्प्लीट कर लेना है पहले, तो ऐसे हम करते कर देंगे और इसके बाद करते हुए हम ऐसे लीफ बनाते जाएंगे। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने लीफ बना लिया है और अब हम इसको स्टिचिंग लगाते जाएंगे। और ऐसे करते हुए हम सारी स्टिचिंग लगा लेंगे लीफ की। तो देखिए ऐसे करते हुए हम पूरा इसको स्टिचिंग लगाते जाएंगे और एक लंबी लेस की तरह हम इसको बना लेंगे। तो ये हो गया है। ऐसे करते हुए मैंने यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी सारे पीसेस लगा दिए हैं। अब मैं उसको बता देती हूँ कि आपको कहाँ पे इसको जॉइंट करना है। यहाँ पे इसको ऐसे रखना है और आप चाहे तो निशान लगा लें 1 इंच की दूरी पर और फिर यहाँ से इसको हम बस इजी अब सिलते जाएंगे, इसको सेट करते जाएंगे। गैपिंग आपको ज़्यादा नहीं रखनी है और इसको हम बस ऐसे स्टिचिंग करते जाएंगे।
तो देखिए ये हो गया और ये हम पूरा ऐसे कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद आप चाहे तो इसका सेम कलर लगा सकते हैं इसमें, नहीं तो अगर आप चाहे तो आप इसमें कंट्रास्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने नेक्स्ट लाइन जो लगाई है वो कंट्रास्ट में लगाई है, यहाँ पे मैंने रेड कलर लगाया है, आप चाहे तो सेम कलर लगा सकते हैं। और रेड ही कलर से मैं इसमें सारी फिलिंग कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर चार लाइन रेड कलर की बनाई है, एक ब्लू बनाई है, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है इसका लुक। आप चाहे तो सेम कलर में भी बना लें तब भी अच्छा लगेगा। और अब हम इसके बैक साइड का बनाएंगे, क्योंकि हम इसे कुशन नहीं बना रहे हैं, कुशन कवर बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसके बैक साइड में एनवेलप कवर बनाएंगे ताकि हम कुशन में इसको इजी कवर कर लें। तो यहाँ पे मैंने जो पीसेस कट किए हुए थे दो स्क्वायर पीस के, उसे हमें लेना है और इस तरीके से इसे उल्टा करना है, नीचे वाला पार्ट हमें सीधा रखना है और यहाँ पर से हमें इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो ये फोल्ड करने के बाद ये आगे की ओर आ जाएगा और इसको हमें उल्टा रखना है और यहाँ से हमें सर्कल में ज्वाइंट करना है। आप चाहे तो थोड़ा सा ऊपर की ओर सर्कल कट दे दें ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। और इसके बाद अब हमें इसको ज्वाइंट करते जाना है। तो देखिए इस तरीके से ये जॉइंट हो जाएगा, फिर दूसरा भी हमें ऐसे इसके ऊपर रख के इसको भी जॉइंट कर लेना है, फिर हमें इसको सीधा कर लेना है। तो देखिए ये मैंने इसको सीधा कर लिया है और ये अच्छे से जॉइंट हो गया है और इसके कॉर्नर्स को हम अच्छे से निकाल देंगे। तो ये बिल्कुल बनकर रेडी है, रेडी टू यूज़ है। इसमें हम छोटा सा मिनी कुशन राउंड डाल देंगे जिससे कि ये बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें छोटा सा मिनी कुशन डाल दिया है और ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। इसको अच्छे से बराबर कर लेंगे और यहाँ पे हम इसमें छोटा सा, अगर आपके पास राउंड कुशन है तो बना लें, नहीं है तो बना लें और इसके बाद इसको हम इसमें डाल। आप चाहे तो इसको स्क्वायर पीस में भी बना सकते हैं, सर्कल में भी बना सकते हैं, कोई भी शेप में आप इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव इसका लुक आया है, बिल्कुल फ्लावर की तरह, और बहुत ही प्यारा ये देखने में लग रहा है। कैमरे में भी अच्छा लग रहा है, रियल में भी देखने में ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ अपने बेडरूम में, सोफ़े पर, डाइनिंग रूम में, हर जगह कर सकते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव लुक आ रहा है, इसी के आप 6 पीसेस बना सकते हैं। रेड और ब्लू मैंने यहाँ पे लगाया है, तो आप रेड येलो लगा सकते हैं, रेड ग्रीन लगा सकते हैं और भी कई कलर आप इसमें लगाकर ऐड कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर आज की वीडियो पसंद आई होगी, बेकार टी शर्ट से मैंने ये बनाकर रेडी किया है, अगर आपको भी पसंद आई होगी तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।